आज हम लेकर चलेंगे आपको इस फेयरवेल पार्टी में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एक फेयरवेल पार्टी को खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है और कैसे एक रिटायरी को मान सम्मान देकर उसे विदा किया जाता है। सो आइए चलते हैं सफ़र पर। ये हमारी टीम बैठी है, आज एक रिटायरमेंट पार्टी है हमारे एक ऑफिसर की, और मैंने सभी को आमंत्रित किया है कि फूल मालाओं से उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, क्योंकि आज के मुख्य अतिथि वो ही हैं। भले ही वो किसी पोस्ट से रिटायर हैं, पर आज इस सभा के मुख्य अतिथि वही हैं। हालांकि चेयर पर चीफ इंजीनियर साहब बैठे हैं, अब बारी बारी से सभी ऑफिसर्स उनका मान सम्मान करेंगे, उनको फूल मालाओं से उनका स्वागत करेंगे। ये उनके बड़े भाई साहब हैं, उनके फैमिली मेंबर भी अगर कोई है तो उनसे भी आप मान सम्मान करवा सकते हैं, रिटायरी पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। सभा में जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी से मालाओं से उनका स्वागत किया गया और सभी ने बड़े प्यार से फोटोएं खिंचवाई, तो इससे सभी को अच्छा लगा और साथ ही जो हमारे रिटायरी पर्सन हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद उनके जीवन के बारे में, उनकी सफ़र के बारे में कुछ बातें बताई गई कि कैसे कैसे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, कहां कहां पर उनकी पोस्टिंग रही, किस किस फील्ड में उन्होंने काम किया, उनकी अचीवमेंट्स क्या रही, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनके बच्चे क्या करते हैं, वो सब कुछ बताया गया। इसके बाद मंच पर आमंत्रित किया गया उस डिवीज़न के हेड को, उस डिपार्टमेंट के हेड को जहाँ से वो पर्सन रिटायर हो रहा है। उनके हेड ने उनके बारे में, उनके वर्किंग के बारे में, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ बातें बताई। सब लोग अच्छा ही बोलते हैं और अच्छा ही बोलना चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक खूबसूरत सा गाना भी सभा को सुनाया। कुछ न कुछ तो दिल को रखो करो, कुछ भी तोड़ो फिर को रखो करो, कुछ भी दिल हमारा है क्या खिलौना है, दिल हमारा है क्या खिलौना है। जाएंगे गुरु आएंगे मगर आपकी कभी आप रहेगी हमेशा, संत कहते हैं आपको भूल नहीं पाएंगे, आपको भूल नहीं पाएंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा सेकंड साहब से। इसके बाद उनके कलीग ऑफिसर्स को बुलाया गया जिन्होंने उनके बारे में कुछ बातें बताई।
आज के मुख्य अतिथि अरुण कुमार भेष जी, चीफ इंजीनियर साहब, उनके साथ आए हुए श्री मानगण अभी मेरे साथ पार्टी विशेष साहब का जो काम को दिया जाता है। बाद मंच पर आमंत्रित किया गया उनके बड़े भाई साहब। इसी तरह से उनके किसी भी फैमिली मेंबर को भी आप इनवाइट कर सकते हैं जो उनके बारे में कुछ शब्द कहें। इसके बाद जो मेन हेड होते हैं, जैसे हमारे यहाँ चीफ इंजीनियर साहब हैं, उनको बुलाया गया और उन्होंने भी कुछ शब्द इस फेयरवेल पार्टी के लिए कहे। और चीफ इंजीनियर साहब के बाद अब बारी आई मुख्य अतिथि जो हमारे आज के रिटायरी ऑफिसर हैं उनकी, उनको मंच पर बुलाया गया। उन्होंने अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया, अपने बारे में बताया, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताया। मुझे रिटायरमेंट के वक्त इस बात की बेहद खुशी है कि मैं ऐसे एक थर्मल प्लांट से रिटायर हो रहा हूँ जो कि एक बेस्ट थर्मल प्लांट है, जो कि लगातार कई कई महीने यहाँ की यूनिटें चलती हैं। ये इस सब का श्रेय हमारे चीफ इंजीनियर साहब, एस सी साहब और जो अधिकारी बने उन सबको जाता है, जिनके मार्गदर्शन से यह सब संभव है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने साथियों के उज्ज्वल भविष्य की और अधिकारियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे हम एक फेयरवेल पार्टी को प्रारूप दे सकते हैं, कैसी सीक्वेंस रहती है हमारी कि हमारे चीफ गेस्ट को कैसे अप्रिशिएट किया जाए, उससे पहले किस किस को बोलना है, किस को बाद में बोलना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना सीक्वेंस के कोई भी काम पूरा नहीं होता। तो आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसे वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।